हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली अपना मीशो हॉल या पार्टी वेयर सूट्स हैं, 5 सूट्स हैं जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सबका ट्राई एंड हॉल आप साइड बाई साइड देख लेना। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये है राखी मेकअप लुक। बाकी आप किसी भी पार्टी वगैरह में इसको क्रिएट कर सकते हो। पिंक सूट के साथ मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया था। उसके बाद फिर मैंने एक हॉल वीडियो शूट की थी, वो भी थी मीशो के ही पार्टी वेयर सूट्स। अगर वो वाला हॉल वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना। 4 सूट्स उसमें मैंने आपको दिखाई है, बहुत सुंदर सुंदर वाले सूट्स हैं। रेड, येलो, ऑरेंज और एक पिंक कलर का सूट, वो वाली वीडियो में दिखाया है। अब आज के हॉल में आपको क्या दिखाने वाले हैं, सबसे पहले तो आप ये वाला सूट आप देख सकते हो। अगर आपने कोई भी हल्दी का फंक्शन अटेंड करना है या फिर अगर आपकी खुद की हल्दी है तो इट्स अ वेरी हैवी सूट, काफ़ी हैवी सूट है। इसके प्लाजो के ऊपर भी बहुत हैवी काम किया हुआ है। दुपट्टा कितना सुंदर है, आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पे सीक्वेंस का काम किया हुआ है, लेस वगैरह लगाई हुई है। प्लस ये जो कमीज़ है ना, आप साइड बाई साइड ट्राई एंड हॉल देखो, आपको पता लग जाए पूरी भरी हुई है, मतलब पूरी हैवी है, कोई भी जगह ऐसी नहीं जो इन्होंने छोड़ी हुई है। और स्लीव्स के ऊपर भी इतना है ना, पूरा वर्क सा किया हुआ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हैवी सूट। प्लस अगर जन्माष्टमी के लिए अगर आपको कुछ येलो कलर का आउटफिट चाहिए ना, आई थिंक जन्माष्टमी में, मुझे इतना भी नॉलेज नहीं है बट आई थिंक जन्माष्टमी में येल्लो डालते ना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो अगर आपको कुछ येल्लो कलर का आउटफिट चाहिए तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप कम्फर्टेबल फील करोगे और इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, बहुत पार्टी वेयर हैवी सूट लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सूट हम देख लेते हैं। ये है लेवेंडर कलर में, सूट नहीं है ये, एक्चुअली लहंगा चोली टाइप्स है। दिखाती हूँ मैं आपको, इसकी चोली नहीं है, ऐसी शॉर्ट कमीज आती है ना जिसके साथ आपको नीचे लहंगा मिलता है, जो बिल्कुल ये वैसा वाला आउटफिट है। लास्ट हॉल में मैंने आपको सेम आउटफिट ऐसा ही दिखाया था, येलो कलर में, जिसके साथ ही ना ऐसे ही कमीज थी इतनी लंबी सी और उसके साथ नीचे लहंगा था, वो येलो कलर में था। अब इस हॉल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो लेवेंडर कलर का ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल हैवी सा पीस है और स्लीव्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा काम किया है इन्होंने, स्लीव्स के आगे भी यहाँ पे वर्क किया हुआ है और यहाँ पे आप देखो पूरा हैवी वर्क है, कितना सुंदर शाइन कर रहा है। नीचे आपको ये लटकन्स वगैरह मिल जाते हैं, सीक्वेंस का काम किया हुआ। और इसके साथ आपको ये जो दुपट्टा मिलता है, अच्छा एक और चीज़ मैं बोलना चाहती थी, ये जो दुपट्टे में ना आजकल ये वाली जो लेस है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, मैंने आपको लास्ट कॉल में भी ये बात बोली थी, काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली लेस लगी हुई। आजकल मैंने देखा है, मैंने जितने भी सूट्स मंगवाए ना, मतलब है उनमें कुछ ना कुछ सूट्स में ना ऐसे वाली लेस है। तो आजकल अगर आप खुद भी कोई सूट बनवा रहे हो ना अपना, तो ये वाली लेस ट्राई करना, अच्छी लगती है। चलो, तो आप देख सकते हो दुपट्टे के ऊपर पूरा फ्लावर जैसा डिज़ाइन है, सिंपल दुपट्टा नहीं है बेसिकली, काफ़ी अच्छा सा दुपट्टा है। इसके साथ काफ़ी खुला डुल्ला भी और आउट जो इसका स्टफ है ना काफ़ी शाइन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके साथ गाइज आपको मिल जाता है ये लहंगा, जो सेमी स्टिच्ड लहंगा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतना चौड़ा है तो मतलब आपकी इतनी वेस्ट तक के लोगों को ये फिट हो जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा अपने टेलर से करवा सकते हो, सेमी स्टिच है ये, ठीक है। आगे पीछे आपको दोनों तरफ प्लीट्स मिल जाती हैं। लहंगे को अगर मैं आपको पूरा ऐसे दिखाऊं तो ओ माय गॉड, काफ़ी अच्छा घेरा भाई, दिख रहा है आपको, मैं तो छुपी गई। आगे पीछे दोनों तरफ आपको वर्क मिल जाता है। अब इसके वर्क की बात करें तो सुंदर लग रहा है इसके ऊपर लेवेंडर कलर के ऊपर ये गोल्डन सा काम ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अगर आपको कुछ डार्क, जैसे मैंने अभी येलो कलर डाला, तो येलो कलर अगर आपको बहुत ज़्यादा चटैक लग रहा है, अगर आपने ये नहीं डाला, थोड़ा सा म्यूटेड सा शेड डाला, तो ये बहुत सुंदर कलर है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। आजकल ट्रेंड में भी है ये वाला कलर, लेवेंडर कलर, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये लहंगा है, इसके साथ ये कुछ डिफरेंट लग रहा था ना आउटफिट, इसलिए मैंने मंगवाया। नेक्स्ट गाइस, ये है पर्पल कलर में सूट और ये देख सकते हो आप, ठीक है, पर्पल कलर का सूट है जिसके पूरे स्लीव्स के ऊपर इस तरह से काम है। ये जो सूट है ना गाइस, ये येलो का ही ना आई थिंक दूसरा शेड है, वही है, हाँ मैंने येलो का ना, ये जो मैंने अभी येलो डाला हुआ है ना, ये उसका दूसरा कलर है, पर्पल कलर है।
बट इसके ऊपर कैसा लग रहा है, अलग सा डिफरेंट आउटफिट लग रहा है, ये डिफरेंट सा आउटफिट लग रहा है, डालोगे ना तो कोई इतना पता नहीं लगेगा किसी को, ठीक है। तो ये पूरा आपको हैवी वर्क मिल जाता है, सेम जैसे येलो के ऊपर था ना, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि पूरा हैवी वर्क किया हुआ है, ये देखो। बस मैंने एक और कलर मंगवा लिया, तो मैंने सोचा अगर किसी को पीला रंग नहीं डालना है, अगर पर्पल कलर में ट्राई कर रहे तो आप ये ट्राई कर सकते हो। इसके साथ आपको ये दुपट्टा मिल जाता है, ठीक है। दुपट्टे के भी चारों तरफ आपको लेस मिल जाती है और पूरे सेंटर में भी आपको पूरा ना बीच बीच में ये छोटे छोटे से ऐसे फ्लावर जैसा आपको डिजाइन मिल जाता है, नीट एंड क्लीन से आपको काम मिल जाता है। एक सेकेंड, इसके साथ आपको पलाजो मिलता है, ठीक है, जिसके नीचे ऐसे बॉटम में हैवी सा वर्क किया हुआ है, पर्पल कलर का पलाजो है इसके साथ, ठीक है जी। ये हो गया हमारा थर्ड आउटफिट, और ये है फोर्थ और फिफ्थ। ये जो आउटफिट्स है ना, ये थोड़े से सिंपल वाले हैं, ये हैवी वाले आउटफिट्स नहीं है, बहुत सिंपल वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा अगर आपको वैसे हल्का फुल्का के लिए कुछ आउटफिट चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मस्टर्ड कलर का ये इसकी कुर्ती है और बहुत हल्का है ये, बहुत लाइट वेट है ये, इसके ऊपर वर्क भी बहुत लाइट वेट है, ये देखो, ठीक है। और इसके साथ आपको ये प्लेन में मिलता है, प्लेन आपको सूट मिल जाता, ये नीचे आपको ये पैंट से मिल जाते हैं इसके साथ, कॉटन क्यों लग रहा है, कॉटन नहीं है बट कंफर्टेबल सा स्टफ लग रहा है। इसके साथ गाइज आपको ये दुपट्टा मिल जाता है पर्पल कलर में, मुझे एक्चुअली ये कंट्रास्ट अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको यू नो बाय कलर में सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी कुछ नहीं डालना, वैसे जनरली आपको कुछ नॉर्मल सा सूट चाहिए तो आप इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पार्टी वियर नहीं है गाइज ये सूट, ये जस्ट नॉर्मली मेरे को इसका कंट्रास्ट अच्छा लग रहा था मस्टर्ड एंड पर्पल का, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट जो सूट है ना, ये मुझे ओके ओके लगा, मुझे इतना खास नहीं लगा, आई थिंक पिक्चर में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जब मुझे रिसीव हुआ तो मुझे इसका स्टफ नहीं अच्छा लगा पता नहीं मुझे इसकी ये वाली ये चीज़ भी मतलब आई डोंट नो, अपनी अपनी चॉइस होती है, बट इट्स लाइक ओके ओके वाला सूट, ठीक है जी। आप बोलते हो ना कि दी हर सूट को अच्छा बोलती है, तो ये देख लो मैंने आपको बोला कि ये नॉर्मल सा सूट है, ये एकदम ओके ओके वाला है। पता नहीं क्यों मुझे इसका स्टफ भी अच्छा सा नहीं लगा, और ग्रे कलर में है, प्रिंटेड सा था एक्चुअली, मुझे लग रहा था ना दूर से कि कढ़ाई की होगी इतना, हाँ सच ये कारण था, मुझे लगा ना ऐसे देख के अरे वाह बड़ी कलरफुल से ऐसे ना कढ़ाई सी की होगी, बट कढ़ाई नहीं था, ये प्रिंटेड सा था, प्लस जगह जगह पर इन्होंने कॉइन वाली ये सिक्के चिपकाए दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको ये दुपट्टा मिल जाता है ग्रे कलर में, ठीक है पीस नॉर्मल डालने के लिए, बट गर्मी में मत लेना भाई, ये गर्मी वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, आपको गर्मी लगेगी इसके अंदर एकदम भयंकर वाली, ठीक है। ये इसके ऐसे स्लीव्स आप देख सकते हो, स्लीव्स दिमाग खराब हो गया मेरा सॉरी, ये दुपट्टे का ये बॉर्डर देख सकते हो, मैं नाम ही भूल गई थी, एक्चुअली मैं शाम से शूट कर रही हूँ नहा धो के, पहले मैंने वॉक किया पूरा एक घंटा, फिर मैंने फिर नहाई धोई, फिर मैंने अपना मेकअप किया, फिर एक और हॉल शूट के तभी कर, तो रात के बज रहे हैं 12, तो मेरा ना इस समय ना बैंड बाजा बज चुका है, तो इस वजह से ना दिख रहा है आपको रात के 12:07 हो रहे हैं, 31 जुलाई हो गया, अब नया दिन चढ़ चुका है, तो इस वजह से बैटरी अब हमारी थोड़ी सी डाउन हो रही है। अभी ये सारे सूट्स का ट्राई ऑन हॉल करना बाकी है, चलो उसके बाद फिर जाके खाना खाऊंगी। हाँ सिट डाउन वाली जो ऐसी वाली वीडियोज़ होती है ना, उसमें मैं अपना थोड़ा बहुत अपने दिल की बातें जो भी इधर उधर की होती है वो भी कर देती हूँ। इसके साथ आपको ये मिल जाता है, दिस इज जस्ट एन एवरेज सूट, मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, ठीक है। प्रिंटेड है एक्चुअली, मुझे लग रहा था ये कढ़ाई बढ़ाई की होगी, बड़ा अच्छा सुंदर सा, बट जब मुझे रिसीव हुआ तो इट वॉज लाइक प्लेन कपड़ा था। बाय बाय, यही था आज का हॉल, और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला राखी वाली वीडियो देख लेना, मीशो का लास्ट हॉल देख लेना, उसमें भी चार सुंदर आउटफिट्स थे, वो देख लेना, अच्छे थे आउटफिट्स।
ठीक है, ये वाले 5 आउटफिट्स तो आप देख ही चुके हो, सबके ट्रायन हॉल आपको साथ में साथ मिल जाएगा। एंड बाय बाय। किसी ने मुझे पूछा था कि आप इंस्टाग्राम पे हो, इफ इन बिल्कुल हूँ, मैं बिल्कुल हूँ इंस्टाग्राम पे, तो सबसे पहले ये वाले आउटफिट्स का ट्राई ऑन हॉल जाता है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे आप मुझे ज़रूर देखो। एंड या बाय, लव यू।